हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न क्रमांक 3 को। ये प्रश्न है बच्चों, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों एक रैखिक समीकरण दिया है, ये है x धन 7 ऋण 8x बटे 3 बराबर 17/6 ऋण 5x बटे 2। तो यहाँ पर इसको हल करने का मतलब है बच्चों, हमें x का मान निकालना है। ठीक, अब इसको हल करने के लिए बच्चों जो एक्स एक्स वाली संख्या है उसे एक साइड कर लेंगे और जो बिना एक्स वाली संख्या है उसे दूसरी साइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक्स वाली संख्या है, ये एक्स, और ये 7 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे बच्चों। यहाँ अभी 7 हम लिख नहीं रहे, और ये ऋण 8x बटे ऋण के 8x बटे 3 यहाँ है। इस 5x बटे 2 को भी हम इस तरफ लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे, तो ये ऋण के हैं, इस साइड आके ये धन के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5x बटे 2। ठीक, अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो बिना x वाली संख्याएं हैं उन्हें दूसरी साइड कर देंगे। तो यहाँ 17/6 तो पहले से ही हैं और ये धन के साथ हैं, ये बराबर की दूसरी साइड जाएंगे तो ये ऋण के साथ हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे ऋण के साथ। अब बच्चों इस x के भी बटे में हम एक मान लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में हम एक से भाग दे सकते हैं, उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब ये भिन्न है बच्चों, इन भिन्नों को हम हल कैसे करते हैं, लघुत्तम लेंगे। तो इन भिन्नों के हारों का हम लघुत्तम लेंगे, ये 1, 3 और 2 का। तो ये बच्चों आएगा कितना, 6। ठीक, अब इस 1 से इस 6 में हम भाग देंगे तो आएगा 6, उस 6 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। ठीक, और ये ऋण का चिन्ह यहाँ है तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा लेंगे। अब इस 3 से 6 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 2 आया, 2 का 8 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, 16x। अब ये धन लगाए तो यहाँ धन लगा लेते हैं। अब इस 2 का 6 में भाग देंगे बच्चों तो 2 × 3 = 6 होता है, 3 आए, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15, 15x। अब बच्चों ये बराबर लगा लेते हैं और इसके भी बटे में हम एक मान लेते हैं, 6 × 1 का लघुत्तम ले लेते हैं तो ये 6 आया। अब 6 से 6 में भाग दिया हमने तो कितना आया, 1, 1 का 17 में गुणा करा तो 17 × 1 = 17। यहाँ पर ऋण चिन्ह है, यहाँ भी हम ऋण चिन्ह ले लेंगे और इस 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 ही आएगा, और 6 से 7 में गुणा करेंगे तो 6 × 7 = 42। ठीक, अब बच्चों ये धन धन वाली संख्याएं एक तरफ जोड़ लेंगे, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ऋण के 16x में से 15x घटा देते हैं तो ये बचेगा 1x, लेकिन वो ऋण का बचेगा क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। तो ये आएगा 6x ऋण x बटे में 6। अब बच्चों इस 42 में से 17 को घटा देते हैं तो ये एक हासिल इधर चली गई, ये इधर घटा लेते हैं हमने 42/17, हासिल इधर नहीं तो ये हो गया 12 और ये बचा 3। ठीक है, और 7, 5, 12 होते हैं तो ये हो गए 5, और 3 में से 1 गए तो बच्चे बचे 2, तो ये कितने हो गए, 25। ठीक, तो अब हम यहाँ लिख देंगे 25/6। अब बच्चों ये 6x में से 1x जाएगा तो ये आएगा 5x, और बटे में हमारा ये 6 है, इसे बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/6 × 6। अब इस 6 से ये 6 कट जाएंगे तो ये आया 5x = 25। अब जो बच्चों ये 25 है, जो 5 है, सॉरी 5 है, वो x के गुणा में है, इसे बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इधर करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा बच्चों x = 25/5।
इस 5 से 25 को काट देते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 25, तो x का मान आ गया हमारा 5 और यही हमें निकालना था बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 भी पूर्ण होता है। आई थिंक ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। आपसे मिलते हैं अपनी